हेलो बच्चों, कल के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना था? E इजकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला निकला था और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन कर रहा था। इसको मैंने ये बताया था, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर हम एकांक धनावेश को रखते हैं तो वह एकांक धनावेश कितने बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये मेरे पास E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट मैंने उससे होता डिराइव किया था। अब मैं आज आपको इसका डेरिवेशन होता करा रहा हूँ। इसका डेरिवेशन करने के लिए आप वो तो देखिए, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आप रुकिएगा, इसको पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद ये डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें वो तो देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी स्पेस में मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज का विद्युत क्षेत्र है। इसकी हम इससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, और जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, इसको सॉल्व करने की दो मेथड है। पहली मेथड ये है कि हम यहाँ पर धनावेश को रख देते हैं, ठीक, और दूसरा, अगर हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है तो हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख देते हैं। मैं इसी मेथड से आपको करा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ओरिजिन पर या मूल बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिंदु पी पर जो इससे आर दूरी पर है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल इतना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने ये निकाला हुआ है। इसी को मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन करके आपको होता बता रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या किया था, ये मेरे पास स्पेस है एक्स वाई जेड, ये हो गया आपके पास ओरिजिन पर, मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया ये, कि मैं तीव्रता निकालना चाहता हूँ इस टेस्ट चार्ज की। ठीक, टेस्ट चार्ज सॉरी सोर्स चार्ज की मैं तीव्रता निकालना चाहता हूँ। को निकालने के लिए मैंने इससे स्मॉल आर दूरी पर, तो मैं वेक्टर फॉर्म में कर दूं या इसको मैं स्मॉल आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट पी रख दिया, इस पी पर मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया जिसमें मैं तीव्रता निकालना चाहता हूं। क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसलिए इस पर लगने वाले बल की दिशा कहाँ चली जाएगी, ई आ जाएगी, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर निकलेगी, जिसको मैंने यहाँ पर डायरेक्शन में बता दिया था। मैंने वो तो लास्ट क्लास में आपको तो बताया हुआ था कि ये जिस पॉइंट पर भी आपको रखना है तो वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्रतिकर्षण को हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखा हुआ है। एक टेस्ट चार्ज के कारण मेरे पास लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी, बाहर है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल है, और चूंकि जिस दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है या बल लगता है, दिशा में क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि तीव्रता की दिशा या बल की दिशा बाहर साइड है। कायदे से मेरे को यहाँ पर एफ की दिशा बनाना चाहिए, लेकिन मैं तीव्रता की दिशा भी बना सकता हूँ। इन दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाला बल एफ इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में करना चाहूं तो इसको यहां पे लगा देता हूं। इस डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर आर कैप भी ले सकता हूं, ये मैंने यहां आर कैप लिया हुआ है। अगर आर कैप लेके चलना है तो मैं यहां पर आर कैप से भी यहां पर शो कर सकता हूं, ये चला गया, ठीक। और अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दिस बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर निकाल दिया मैंने।
ई इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आता है, ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये चला गया। आप यहां पर एफ की वैल्यू रख दीजिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, ये दोनों कैंसिल, तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना निकल जाएगा। ये आ गया, यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए अब हमारे पास अगर किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मैं वहां पर टेस्ट चार्ज कर लेता हूँ, डायरेक्शन होता डिफाइन करता हूँ, और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट होती है, यूनिट कैसी जाती है, न्यूटन पर कूलाम। तो पॉज करिएगा, और पॉज करने के बाद इसको तो देखिएगा, ये मेरे पास यहां पर वेल डिफाइंड टर्म आ रही है, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक, तो आप मेरे को डायरेक्टली अपने होते ग्रुप में भेज सकते हैं, तो ये मेरे पास यहां पर इसका कॉन्सेप्ट निकल आता है, ठीक है, क्लियर। आप इसको पॉज करिएगा और ये वाला भी नोट कर सकते हो, वो मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये आपके पास पूरा का पूरा इसका कैलकुलेशन हो, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं, ये एक दूसरे से कोरिलेट है। आपने बहुत छोटी क्लास में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी होंगी, कि अगर मैं एक नॉर्थ और एक साउथ पोल ले लूं, या बार मैग्नेट ले लेता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर एक पेपर के नीचे एक मैग्नेट रख दूं, उसके ऊपर एक पेपर रख दूं, उसमें आयरन फिलिंग डाल दूं, तो मेरे को मालूम है कि वो आयरन फिलिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे अरेंज हो जाती हैं, ये ऐसे ऐसा 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 ऐसा, ठीक। तो मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि अगर ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसमें एक एकांक आवेश चलता है और साउथ पर आता है और अंदर ये वापस लौट के आ जाता है, ऐसा, ठीक है। तो इन रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इन द सेम वे मेरे पास क्या होता है, जब मैं एक धनावेश को या एक ऋणावेश को रखता हूं, तो उससे भी मेरे पास क्या हो गया, बल रेखाएं जाने लगती हैं, और जिस दिशा में वो तो जाती हैं, और अगर मैं उस पर एक लाइन खींचता जाऊं, तो जो रेखाएं बनती हैं इनको मैं क्या बोल देता हूं, विद्युत बल रेखाएं बोलता हूं। इनकी बल रेखाओं को खींचने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, देखिए जैसे मैंने एक प्लस क्यू आवेश यहां पर रख दिया, बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर मैंने बहुत सारे धनावेश डाल दिए, क्या होगा कि धनावेश यहां से वो तो भागने लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये धन है, ये एकांक धनावेश भी कैसे होने लगेंगे, भागने लगेंगे, जहां जहां ये जाएंगे और ये लंबवत निकलेंगे वहां वहां आप क्या करते जाइए, एक काल्पनिक रूप से वक्र खींचते जाइए, और जहां जहां ये जाता है भागता है, उस डायरेक्शन में मैं यहां पर क्या ले सकता हूं, वहां पर लाइन खींचता जाऊं, लाइन खींचता जाऊं, तो इन लाइन को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं। तो देखिए इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, विद्युत बल रेखाएं, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है, बल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैंने आवेश को रखा हुआ है यहां पर एक धनावेश को, तो धनावेश क्या हो रहा है, एकांक धनावेश को बल लगा के प्रतिकर्षित करके दूर भगा रहा है, ऋणावेश है तो वो धनावेश को अपनी तरफ से क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक। मेरे पास क्या होता है, क्योंकि बल लगा रहा है और उससे रेखाएं बन रही हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं,
इसको मैं और अच्छे सरल तरीके से करूं, सपोज करिए मैं एक धनावेश हूं और मैं धन आवेश मान के अपने आप को कल्पना करूं और अपने चारों ओर बहुत सारे एकांक धनावेश को यहां पर फैला दूं, तो ये एकांक धनावेश जहां जहां जाएंगे भागेंगे वहां पर लाइन खींचता जाता हूं, और जो लाइन खींचता हूं तो उन रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत बल रेखाएं बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाएं धन से देखो बच्चों, मैंने अभी विद्युत बल रेखाएं बताई आपको कि विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं उन गुणों को। पहले अपन यहां पर ये वाली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हो तो देखो, एक धन आवेश क्यों है, इस धन आवेश में मेरे पास बल रेखाएं जो जा रही है, अगर मैं यहां पर बहुत सारे एकांक धनावेश को फैला दूं तो बल रेखाएं कैसी जाएंगी, ऐसे होते जाएंगी, ऐसे होते जाएंगे, ऐसे। ठीक, जहां जहां एकांक धनावेश जा रहा है वहां वहां आप क्या कर लीजिए, डॉट 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 करके रेखाएं खींच दीजिए, तो इन रेखाओं को हम क्या बोल देते हैं, बल, विद्युत बल रेखाएं बोल देते। अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, मेरे पास बहुत सारे धनावेश यहां पर डाले हुए हैं तो ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अंदर साइड आए। अगर एक आवेश धन है एक आवेश ऋण है तो मेरे पास क्या होगा, एक धनावेश यहां से चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहां पर आके यहां पर एंड होगा, ये यहां से होते चलते 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 आके यहां पर एंड होगा, ये यहां से चलते 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 आके यहां पर एंड होगा, और भी ऐसे आएंगे कहीं से आएंगे। तो देखिए मेरे पास क्या होगा, अगर पेयर में धन आवेश है और धन और ऋण आवेश है तो बल रेखा धन से स्टार्ट होके कहां खत्म हो जाती है, ऋण पर खत्म हो जाती है। अगर दो आवेश कैसे है, धनात्मक आवेश है, तो अगर हम यहां पर एकांक धन आवेश जाए तो ये इससे भी प्रतिकर्षित होगा, इससे भी प्रतिकर्षित होगा, तो ये कैसा होगा। तो देखिए बच्चों, ये धनावेश है तो मैंने यहां पर क्या ले लिया था, ये धनावेश, यहां से होता जाने वाली बल रेखाएं ये ऐसे आएंगी। अब अगर स्कूल एग्जामिनेशन में ये आता है तो एक चीज याद रखिएगा, बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी इधर से, और ये जैसे हमारे पास कैसा है, मान लीजिए ये आपके पास कैसा है, ऋणावेश है, तो बल रेखाएं कैसी आ जाएंगी, इसके लंबवत अंदर की ओर आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इससे मैं क्या करता हूँ, बल रेखाओं को डिफाइन भी करता हूँ, बल रेखाओं की प्रॉपर्टी भी लेता हूँ, और बल रेखाओं को यहाँ पर एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या था, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। अगर ये धनावेश है तो ऐसा जाएगा बल, ऐसा ऐसा जाना चाहेगा, लेकिन ये ऋण है तो ये इस साइड अट्रैक्ट होगा, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसा होगा। तो बल रेखाएं ऐसी आने लगेंगी, ऐसे आने लगेंगी, ऐसे आने लगेंगी, ऐसे आने लगेंगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे 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 आएंगी, ठीक, और ये ऐसे आएंगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं यहां पर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैंने यहां पर एक धनावेश लिया और एक ऋणावेश ले लिया, धन और ऋणावेश ले लिया है मैंने यहां पे, ठीक, बल रेखा यहां से ऐसे होते जा रही हैं, यहां से ऐसे होते जा रही हैं, ये ऐसे होते जा रही हैं, ये ऐसे होते जा रही है, ठीक, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे होते जा रही है। तो मैं एक बल रेखाओं को एक और प्रॉपर्टी के टर्म में डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं और कलरफुल कर देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इसी पॉइंट पर आऊँ तो अगर एकांक ये नहीं होता तो मेरे पास धनावेश यहाँ पर चला जाता, ठीक, का मतलब क्या हो गया कि अगर विद्युत क्षेत्र में यदि धन और ऋण आवेश है तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसके ऊपर, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। कैसी दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर पर जा रही है, इस पॉइंट पर इधर जा रही है, इस पॉइंट पर इधर जा रही है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उसकी बल रेखाओं पर, तो ये बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती हैं। तो देखो मैं एक और डेफिनेशन होता डिफाइन कर लेता हूं इसमें। अगर विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में मैंने धन और ऋण आवेश लिया हुआ है, विद्युत बल रेखाएं हैं, तो खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर डिफाइन करती है। तो मेरे पास विद्युत बल रेखाओं की दो परिभाषाएं हैं। नंबर वन हो जाती है, अगर मैं किसी आवेश को लेकर चलता हूं, उस आवेश के चारों ओर एकांक धनावेश को डाल देता हूं, तो एकांक धनावेश जिस बिंदु पर चलता है उसके अनुदिश खींची गई बल रेखाएं मेरे पास विद्युत बल रेखाएं कहलाती। जैसे ये धन है, यहाँ एक आवेश है, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे होते चलते जाएंगे। दूसरी डेफिनेशन मेरे पास ये आ जाती है, यदि धन और ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी यहाँ पर परिभाषित करती है। ये मेरे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है। तो देखिए मेरे पास होता विद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज दिखने लगती है। ये प्रॉपर्टीज ये है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये देखिए मेरे पास ये विद्युत बल रेखा है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शा रही है। ठीक, दूसरा विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर चलती हैं, तो देखिए आपके पास धन से ऋण की ओर चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो आता है ये स्कूल के क्वेश्चन में भी आता है। ठीक, इसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है जो आपको स्कूल एग्जामिनेशन में भी आ सकती है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। मैंने अभी आपको यहां पर समझाया हुआ था कि अगर यहां पर क्वेश्चन ये था कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, अब भी मैंने आपको बताया कि एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है, तो यहां पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मान लीजिए एक बल रेखा, कल्पना कीजिए कि एक बल रेखा ऐसे होता जा रही है और दूसरी बल रेखा आपकी ऐसे होता जा रही है। अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं तो एक यहां पर और एक यहां पर आ जाएंगी। यहां पर दो तीव्रताओं की दिशा है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि वे काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्र व्यक्त करेंगी जो संभव नहीं है, अतः बल रेखाओं का काटना भी संभव नहीं है। ये स्कूल एग्जामिनेशन में यहाँ पर आता है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं कि बंद वक्र बनाती हैं। देखिए एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, या चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं का यह क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं कि बंद वक्र का निर्माण करती हैं। जब अपन चुंबक लेकर चलते हैं ना, चुंबक में मेरे पास ये कल्पना होती है कि अगर ये नॉर्थ पेन है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, तो इसमें बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है और ये वापस यहाँ पर आती है। यानी इसमें ये हम कल्पना करते हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव यहाँ पर नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ में और वापस आता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें बल रेखाएं धन सिरे से स्टार्ट होके ऋण सिरे पर या ऋण ध्रुव पर आके खत्म हो जाती हैं, यानी वापस नहीं आती हैं। इसलिए बल रेखाएं खुले वक्र
का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास होता बल रेखाएं हो जाती हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मेरे को यहां पर बताएंगे। नंबर वन, विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता को समझाइए। सेकेंड, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। थर्ड, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण धर्म समझाइए। ठीक है बच्चों, कम से कम ये इन तीन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, लिखिए। जो मैंने आपको स्लाइड्स बताई हैं उनको जहां पर भी प्रॉब्लम हो पॉज करके वो तो देखिए, कॉपी में तैयारी करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं विद्युत द्विध्रुव को आपको समझाता हूँ। ओके।